हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस टाइम टू टाइम पे मिलते रहें। नाउ कम टू एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन। हमने पढ़ा है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 इज फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे करके जो रिलेशन हमने पढ़ा है वो हमें किसके किसके लिए बताना है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन है, इन चारों में से, ये चारों पार्ट में से कौन सा क्या है ये हमें बताना है। ओके, तो अब और क्या लिखा है आगे, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलता है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर हमें वो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू हमें सॉल्व करना है। तो चलें फर्स्ट पार्ट देख लें। चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, 3x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तभी देखना है। ओके, तो हमें पता है a1 क्या है यहाँ पे, a1 हमें मिल रहा है 1, b1 हमें क्या मिल रहा है माइनस 3, a2 हमें क्या मिल रहा है 3 एंड b2 हमें क्या मिल रहा है माइनस 9। हम सिर्फ इतना ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हमें आगे बढ़ना है। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 होता है ना। तो हमें सिर्फ ये चारों वैल्यूज को ही बस देखना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, a1 कितना है 1, a2 कितना है 3। ओके, a2 इज 3 इक्वल्स टू b1 कितना है माइनस 3 एंड b2 इज माइनस 9। तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 वन था एंड 3 3 था। तो a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2, इट्स ट्रू। हमें तो लेकिन कंडीशन चाहिए कि नॉट इक्वल होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो इक्वल्स टू हो रहा है। तो ये क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन नहीं हुआ। ओके, ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो ये क्या है, कौन सा सॉल्यूशन है, ये भी फाइंड आउट करना है ना हमें कि कौन सा सॉल्यूशन है, ये भी बताइए हमें, ये भी बोला है। तो अब ये a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 तो हो गया। अब c1 by c2 इक्वल है या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। c1 क्या है यहाँ पे, c1 इज माइनस 3 एंड c2 इज माइनस 2। ओके, तो c1 माइनस 3 बाय माइनस 2 दैट बिकम 3 बाय 2। तो इससे 3 बाय 2 तो नॉट इक्वल हुआ, मतलब ये नॉट इक्वल हुआ, मतलब ये कौन से लाइन की कंडीशन हो गई, ये हो गई पैरेलल लाइन की कंडीशन हो गई, जो कि हमें क्या देता है, नो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, हमें क्या मिल गया, नो सॉल्यूशन मिल गया। ओके, मतलब ये क्या था, पैरेलल लाइंस का सिचुएशन था जो कि वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा था। अब सेकेंड इक्वेशन देखें अगर हम, तो क्या है, 2x plus y इधर equals to 5 है। तो हम अगर इधर शिफ्ट कर देंगे तो plus 5 का क्या हो जाएगा, minus 5 equals to 0। हमने क्या बताया था कि ax plus by plus c equals to 0 के फॉर्म में लिखना है हमें, है ना, तो वही कर रहे हैं हम। फिर वैसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए 3x plus 2y minus 8 equals to 0। दो इक्वेशन हो गए। पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। तो यूनिक सॉल्यूशन a1 by a2 is not equals to b1 by b2 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 2 by 3 और ये 1 by 2 not equal है। तो ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ गया। ये यूनिक सॉल्यूशन आ गया मतलब अब हम क्या करें, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए पॉइंट होता है। अब यूनिक सॉल्यूशन आने के बाद हमें क्या बोला गया था कि इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यूज बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके इसका एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, तो चलो हम अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, एक्स वाई एंड वन हम कैसे लिखते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बी से, b1 b2 c1 c2 व्हाट एल्स, यहाँ पे ये वाई काफी दूर हो गया। ओके, या फिर c1 c2 को हम यहाँ लिख लेते हैं, c1 c2 देन a1 a2 and again what b1 b2। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, है ना। अब हम डायरेक्टली जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, हम ये a1 a2 b1 b2 ना लिख के डायरेक्टली उसकी वैल्यूज लिखते जाएंगे। ओके, यहाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं ऐसे समझा के लिख रही हूँ। यहाँ पे b1 क्या है 1, b2 क्या है 2, c1 क्या है -5
and C2 क्या है minus 8. Why? A1 क्या है 2 and A2 क्या है 3. फिर again 1, B1 is 1 and B2 is 2. Clear? इतना clear है. अब हम अगर इसे cross multiply करें, तो क्या आएगा x upon minus 8 into 1 minus of minus 5 into 2. आएगा ऐसा equals to y upon minus 5 into 3 minus of minus 8 into 2. Okay, ये आएगा equals to 1 upon 2 into 2 minus of 1 into 3. इतना आ गया. तो अब इतना आने के बाद हम इसे solve कर लेते हैं. Solve करने जरा हम इसे. तो क्या होगा ये x upon minus 8 minus minus क्या हो गया plus 10 हो जाएगा. 5 2s are 10 equals to y upon minus 15 minus minus plus 8 2s are 16 equals to 1 upon 4 minus 3. Clear है? ये कितना हो गया? X upon 2 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? Y upon 1 and this is 1 upon 1. तो हम क्या बोले थे कि हमें constant term से compare करना है. तो हम constant term से compare कर लेते हैं. X upon 2 equals to 1 upon 1. So X equals to कितना आ जाएगा हमारे पास? 2. वैसे अब मैं Y को अगर compare करूं, Y upon 1 equals to 1 upon 1. तो Y में को कितना मिल जाएगा? y मिल जाएगा हमें 1. क्लियर है? तो x और y की वैल्यू हमें मिल गई. x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 2. और y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 1 मिल गई. ठीक है, सेकंड पार्ट भी खत्म होता है यहां पे. कम टू पार्ट 3rd ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. तो अगर यहां मैं देखूं तो ये क्या है? 3x - 5y = 20 है. तो इसे मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी तो क्या आएगा? 3x - 5y - 20 = 0. फर्स्ट इक्वेशन ये. तो हमें क्या मिल जाएगा? a1 is 3, b1 is minus 5 and c1 is minus 20. क्लियर है? वैसे ही सेकंड इक्वेशन क्या है? 6x - 10y minus 40 equals to 0 हो जाएगा. ठीक है? तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से? a2 is 6, b2 is minus 10 and c2 is minus 40. हो गया. अब हमें क्या बोला था? इसमें यूनिक सॉल्यूशन चेक करना है. अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के आगे सॉल्व करेंगे, वरना नहीं करेंगे, है ना. तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? a1 / a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 / b2. ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. तो देख लेते हैं, a1 कितना है? 3. a2 कितना है? 6. और इधर b1 कितना है? मेरे पास -5 और b2 कितना है? -10. 3 1s are 3 2s are minus minus cancel 5 1s are and 5 2s are. कितना आ गया? 1 upon 2 equals to 1 upon 2. मतलब ये इस condition को satisfy नहीं कर रहा है. अगर condition satisfy नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या है? ये दोनों equation जो equation 1 और ये equation 2, ये दोनों equation क्या कर रहे हैं? आपस में intersecting unique solution का format को follow नहीं कर रहे हैं, उसके condition को follow नहीं कर रहे हैं. okay, तो नहीं कर रहे हैं तो ये है कौन सा, ये भी देखना पड़ेगा. अब a1 / a2 equals to b1 / b2 तो हो गया है, है ना. c1 / c2 भी चेक कर लेते हैं. c1 कितना? -20 और c2 कितना? -40. तो माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 एंड 2 2 जा. तो अगेन 1/2 equals to 1/2, मतलब ये क्या हो गया? c1 / c2 भी हो गया, है ना. तो ये कंडीशन किस चीज के लिए होती है? जब तीनों इक्वल हो तो ये किसके लिए होती है कंडीशन? ये होता है कोइंसिडेंट लाइन के लिए. और कोइंसिडेंट लाइन होता है मतलब क्या मिलता है हमें? मेनी सॉल्यूशन मिलता है. क्लियर? बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, इसलिए हम कोई भी एक पॉइंट निकाल नहीं सकते या एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते होते हैं. ठीक है, क्योंकि मेनी सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास. क्लियर है? इतना फोर्थ पार्ट देख लेते हैं. फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास? x - 3y - 7 = 0. तो इसका मैं अगर a1 a2 b1 b2 लिख लूं, तो a1 कितना है? 1. b1 कितना है? -3 एंड c1 कितना है? -7. ओके, अब अगर मैं सेकेंड इक्वेशन देखूं, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x - 3y, दिस इज 3 - 3y - 15 = 0 है. तो इसमें a2 लिख लूं, a2 कितना है? 3. b2 कितना है? -3 और c2 कितना हो जाएगा मेरे पास? -15. क्लियर है? इतना हो गया. तो अब हमें क्या करना होता है? पहले कंडीशन चेक करेंगे हम कि कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन है. और अगर यूनिक होगा तभी आगे सॉल्व करेंगे. तो चलिए a1 / a2 देखते हैं. a1 / a2 कितना आएगा? 1/3. b1 / b2 कितना आएगा? -3/-3. तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 1s are 3 1s are. कितना आ गया? 1 upon, कितना आ गया ये? 1 upon 1. ओके, व्हिच इज नॉट इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं है.
तो क्या हो गया हमारे पास कंडीशन a1 by a2 is not equals to b1 by b2, मतलब क्या हो गया, ये किसके लिए सेटिस्फाई किया कंडीशन, ये सेटिस्फाई किया कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए सेटिस्फाई किया. ओके, यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब हम अब इसे आगे सॉल्व करेंगे किसके थ्रू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू. क्लियर है? तो चलिए हम लिख लेते हैं वापस से उसको कि क्या हमें सॉल्व करना है अब आगे. ओके, तो कैसे लिखते हैं हम इसे, x अपॉन में क्या लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, चलो एक्स वाई वन लिख ही लेते हैं, हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती ना इससे. b1 कितना है, -3, b2 इज -3, c1 -7, -15, अगेन 1, 3, -3 एंड -3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अब जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम अभी तीनों में, तो x अपॉन माइनस प्लस 15 इंटू 3 45. ओके, माइनस इन दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इसका माइनस है तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21. ओके, इक्वल्स टू y अपॉन -21 माइनस माइनस प्लस 15. क्लियर? फिर ये कितना होगा, 1 अपॉन -3 माइनस माइनस प्लस 9. ओके, इतना हो गया ये. अब इसको सॉल्व कर ले हम x का टर्म, और इसको फिर से रिड्यूस कर लेती हूँ मैं. x अपॉन ये कितना हो जाएगा, माइनस अगर कर लें तो x अपॉन 24 हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा. y अपॉन कितना हो जाएगा, ये होगा -6, और 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 6. अब हम क्या करते हैं, हमेशा कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करते हैं ताकि हमको वैल्यू मिल सके. तो x अपॉन 24 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, तो x कितना आ जाएगा, 24 अपॉन 6, 6 1 जा 6 4 जा, तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई 4. क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, y अपॉन -6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, सो y इक्वल्स टू -6 अपॉन 6, 6 1 जा एंड 6 1 जा, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, y की वैल्यू मिल गई -1. यही दोनों फाइंड आउट करना होता है. हम कांस्टेंट टर्म रखते ही इसीलिए ताकि हम कांस्टेंट से उसे कंपेयर करके आंसर्स ला सके. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे एंड करते हैं, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.5. स्टूडेंट, सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं, आप ट्राई ज़रूर करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइज, अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी. एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू.